गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल द वायर के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह के कारोबार के बारे में कुछ भी लिखने प्रसारित करने पर लगाई रोक को बहाल कर दिया। अब ये पोर्टल इस बारे में कोई लेख प्रकाशित नहीं कर सकेगा। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जय शाह की अपील स्वीकार कर ली। निचली अदालत के आदेश में समाचार पोर्टल के खिलाफ आदेश आंशिक रूप से हटा लिया गया था। हालांकि इस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेख से जोड़ने से रोका गया है। इस आदेश के बाद पोर्टल याचिकाकर्ता के कारोबार के बारे में कोई भी लेख का प्रकाशन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उनके द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। इस फैसले को अमित शाह मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अमित शाह पर उनके पुत्र को लेकर विपक्षी नेता ताने कस रहे हैं, अब कोर्ट के आदेश के चलते उनको राहत मिलने की संभावना है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।